सो हे व्हाट्सअप गेमर्स, क्या हालचाल है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिटीज स्काईलाइंस में। सो लास्ट वीडियो में आपको पता होगा कि हमने जो है अपनी सिटी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा कर दिया है। हाई डेंसिटी यहाँ पर रेसिडेंशियल जोन्स बना दिए, मतलब हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ओपन हो चुकी है, मॉल्स ओपन हो चुके हैं, बड़े बड़े स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। तो हमारी सिटी में ना पॉपुलेशन वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ रही है। एंड अगर आप हमारी सिटी का सिनेमेटिक व्यू देखो तो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार, बहुत तगड़ी यहाँ पर सिटी बनी है। बट एक दिक्कत है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ट्रैफिक का मुझे को कुछ करना पड़ेगा, बट वो ना बात की बात है। तो अभी एक काम करते हैं, एंड ये देखो भाई हमारी सिटी ना कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। एंड ये देखो हमारे पास ट्वीट भी आया है यहाँ पर, वेट देखो यहाँ पर अगर आप, तो केटी मरे का ट्वीट है, व्हाट ए ग्रेट सिटी, आई वुड थिंक आई एम ड्रीमिंग इफ आई डिडेंट नो अदरवाइज। ओके सो मतलब इसको ना सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड ये देखो हमने सारी ना जो पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं उनको दूर ही रखा है अपनी सिटी से। सो सिटी काफ़ी ज़बरदस्त हो चुकी है। एंड यहाँ पे जो है इंडस्ट्री भी हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सो एक बार के लिए तो हमने इंडस्ट्री यहाँ पर बना दी है, बट अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास जो है और लैंड एरिया पूरा पड़ा हुआ है, तो इस साइड मेरे को नहीं जाना है। मेरे पास दो ऑप्शन होने वाले हैं, एक तो मैं जाने वाला हूँ इस साइड पे जहाँ पर मैं ना अपनी इंडस्ट्री बड़ी करने वाला हूँ, एंड एक मैं जाने वाला हूँ सामने की साइड पे या फिर इस साइड पे जहाँ पे ना हम अपनी दूसरी सिटी बनाने वाले हैं। तो ये ना मेरे को बाद में देखने पड़ेगा, एक सेकेंड। फैसिलिटी फुल, ओके, लैंडफिल्स और जो सीमेंट्रीज होती है ना वो फुल हो जाती है उनकी फैसिलिटी, तो हमें ना उनको एम्प्टी करके फिर उसको डिलीट करके नई बनानी पड़ती है, तो ये ना मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। बट मेरे को ना अभी एक काम करते हैं, यहाँ से ना मैं सबसे पहले बाय करने वाला हूँ इस साइड को, ताकि ना हम जो है अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर सकें थोड़ा सा। मे बी इंडस्ट्री को शिफ्ट करें या फिर हम जो है अपने लिए सिटी बना, नहीं यार रोड के पास मेरे हिसाब से इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो एक बार तो इसको बाय कर लेते हैं। न्यू टाइटल हम दे सकते हैं यहाँ पर, क्या नहीं दे पा रहे। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, आउटसाइड कनेक्शन भी है यहाँ पर, सूटेबल एरिया है फॉर बिल्डिंग है, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइस यहाँ पर जो है 5,600 यूरो ही है, तो खरीद लेते हैं इसको, ज़्यादा महंगी नहीं है, तो यहाँ पर इसको परचेस कर लेते हैं। एंड ये देखो भाई अभी हम जो है यहाँ पर और एक्स्ट्रा परचेस कर सकते हैं, एंड आवर सिटी इज़ ग्रोइंग सो आवर इंडस्ट्री, ठीक है। सो ये पूरा एरिया हमारा हो गया है। एंड अगर अपन यहाँ से थोड़ा सा देखें ना तो अभी क्या बाय कर सकते हैं हम, वेट सी, एक जगह पे हम और बाय कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए ये ठीक है। एक ना मैं यहाँ पर सामने या फिर यहाँ पर साइड में, साइड में अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरे को ये पूरा टापू चाहिए होगा, जो कि वो बाद में देखते हैं यार, अभी के लिए ठीक है मेरे हिसाब से। एंड क्या ट्वीट आया था, हाँ ट्वीट पढ़ने से ना हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, बट ये नैंसी रीड बहुत ज़्यादा ट्वीट करती है यार, पता नहीं इसकी 3 साल की बेटी कौन से पेड़ में फंसी हुई है, समझ ही नहीं आया मेरे को अभी तक। हाँ सो वो ये टापू भी काफ़ी अच्छा है यार, मतलब आइलैंड अगर आप देखो तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। एंड यहाँ से अगर आप देखो तो इस साइड पर भी हम जो है रोड सारे चारों तरफ कनेक्टेड है रोड, बस सामने वाली साइड मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो उस साइड हम नहीं जाने वाले। इस साइड पे भी आगे कुछ भी नहीं है, पहाड़ है, सो मे बी इसी साइड में हम जो है अपनी सिटी को फैलाएं। बट अभी के लिए सबसे पहले ना मेरे को कुछ बिल्ड करना है, बाद में हम इंडस्ट्री को देखते हैं। सो पैसे अगर आप देखो तो 2,65,000, मतलब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हो गए। एंड ये देखो मॉल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुके हैं, सो हमारे पुलिस स्टेशन वगैरह के जस्ट सामने यहाँ पर मॉल्स वगैरह भी हैं, तो वैसे यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं थी इनकी, भाई गलत जगह पे बना दिया क्या मैंने, आई डोंट नो। तो अभी मेरे को क्या करना है, ये एरिया मैंने वैसे उसी के लिए रखा हुआ है, ताकि ना यहाँ पे जो है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं लोग, ज़्यादा पैसे दे के रह रहे हैं, ज़्यादा टैक्स दे के रह रहे हैं, तो उनको ना सारी सर्विसेज यहीं पर मिल जाए, फायर, पुलिस, हॉस्पिटल, एंड यहाँ पर जो है एजुकेशन के लिए सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ना यहाँ पर अगर आप देखो तो फायर डिपार्टमेंट पर जाना है, एंड मेरे को ना फायर स्टेशन बनाना है, तो या तो हम इसको यहाँ पे बना सकते हैं या फिर मैं सोच रहा हूँ कि उसको यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे बनाएंगे तो भी पूरा कनेक्ट कर लेगा, एंड यहाँ पे बनाएंगे तो भी पूरा कनेक्ट कर लेगा इस साइड से, पर इसको कनेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे बनाते हैं तो पूरा कनेक्ट कर रहा है ये, नहीं मेरे हिसाब से सिटी के लिए ही है, तो यहाँ पर हम एक बार के लिए यहीं पर बनाते हैं इसको। सो ये बन जाएगा पूरा हमारा रोड के कॉर्नर पर, चलो
ये बन गया फायर डिपार्टमेंट, ये देखो भाई इंडस्ट्री वगैरह सब खुश हो गए यहाँ पर। सो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली इन सबको, बट मेरे काफ़ी पैसे लग गए यार। बट पैसे अपने पास काफ़ी ज़्यादा है, एंड यहाँ से अगर अपन इस फायर डिपार्टमेंट को देखें तो ये लग तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। ओ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार। ठीक है, फायर डिपार्टमेंट हो गया। उसके अलावा हमें एक हॉस्पिटल बनाना है, एल्डन केयर चाइल्ड सेंटर। सीमेंट्री तो ठीक है मैंने बना दी थी, फुल तो नहीं होगी। वेट, ये यहाँ पे है ना हमारी सीमेंट्री। सो ऑपरेटिंग नॉर्मली है। डिजीज स्टोर 134 ही हुए हैं अभी तक 3000 से। सो काफ़ी ज़्यादा जगह बाकी हुई है, बाकी अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने हेल्थ केयर सेंटर तो यहाँ बना दिया है, बट इसको ना हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यही रहने थे। हॉस्पिटल वगैरह जो है हम थोड़े से ना अलग जगह पे बनाए, जहाँ पे ना थोड़ी सी शांति वगैरह हो, तो मे भी हम ये कर सकते हैं। सो यहाँ पर और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, हॉस्पिटल है, एल्डन केयर है, चाइल्ड हेल्थ सेंटर है। सो ये ना मेरे को थोड़ी सी भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर बनाने पड़ेंगे, तो ये बाद में देखते हैं। उसके अलावा तो पुलिस हेडक्वार्टर भी मेरे को तो बनाना ही है ना, बट अभी ना मेरे को पुलिस स्टेशन बनाना है यहाँ पर। ओके, पुलिस स्टेशन बनाने से पहले ही जो है हमारी सिटी अपग्रेड हो गई है, 7500 की हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। सो ट्रेन अनलॉक कर दिए हमने, ट्रेन स्टेशन हो चुका है, कार ओके, ट्रेन की सारी चीज़ें हो चुकी है, एंड हाइड्रो पावर प्लांट भी अनलॉक हो चुका है, तो ये हम बाद में देखेंगे। बट अभी ना मेरे को पुलिस स्टेशन बनाना है, तो पुलिस स्टेशन बनाता हूँ मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से। सो ये पूरा एरिया ना कवर हो जाएगा यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ पर बनाते हैं हम अपना पुलिस हेडक्वार्टर। सो ये ना थोड़ा सा हाईवे के पास भी हो जाएगा, एंड इंडस्ट्री दोनों साइड पे भी देख पाएगा। एंड हियर वी गो, एंड ये देखो भाई सारे लोग यहाँ पर खुश हो गए हैं। सो यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर हो गया एक, एंड दूसरा हो गया यहाँ पर पुलिस स्टेशन। तो स्टेशन हम अलग अलग बना सकते हैं, बट हेडक्वार्टर यहाँ पर एक ही होने वाला है, तो ये काफ़ी सही हो गया है यहाँ पर। वैसे ना ज़्यादा प्लानिंग चल नहीं रही है अभी के लिए तो, बट जो भी हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आगे जाके जो और देख लेंगे हम। एजुकेशन में चले अपन, तो मेरे को ना यूनिवर्सिटी बनानी है, एंड पब्लिक लाइब्रेरी तो बना दी थी हमने, बाकी सब बना दिया, तो यूनिवर्सिटी भी बना देते हैं, ताकि ना लोग कम से कम पढ़ाई वढ़ाई तो करें, एंड इसको ना बहुत सारी जगह चाहिए होगी, इतनी सी जगह में तो ये नहीं बनने वाला है। तो मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को ना यहाँ पे पीछे की साइड पे बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सो उस साइड हम और कुछ बना लेंगे, बट अभी के लिए ना मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मेरे को ना पार्क नहीं, ये बिल्डिंग तो जाएगी बट और कुछ नहीं कर सकते हम। यहाँ से ना यहाँ तक बनाते हैं, वेट, स्कूल के जस्ट पीछे की साइड पे हो जाएगी यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी, 440 400, ठीक है यहाँ पे। एंड यहाँ से ले लेते हैं हम 200 इस साइड में, एंड 200 इस साइड में, ठीक है। आगे रोड कहीं नहीं जाएगी, बस मेरे को ना यूनिवर्सिटी बनानी है यहाँ पर, बट आई होप कि ज़्यादा ट्रैफिक ना हो जाए यहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी की कॉस्ट कितनी है, 75,000, भाई साहब 75,000 कॉस्ट पड़ रही है यार, बहुत महंगी पड़ रही है। बट लोगों को ना एजुकेट भी तो करना है, एंड एलिजिबिलिटी अगर आप देखो तो 1156 की एलिजिबिलिटी है, मतलब यहाँ पे जैसे हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे ना लोगों की बाढ़ आने वाली है। सो यहाँ पर इसको बना देते हैं, एंड हियर वी गो, भाई सारे लोग यहाँ पर खुश हो गए, एंड पूरा एरिया इसने कवर कर लिया है। ओके, कोर्सेज के यहाँ पर जो है रोल कर तो रहे हैं सिटीजन्स, बट यहाँ पर ना मेरे को पानी वगैरह पहुँचाना पड़ेगा ना, बिजली पानी, तो बिजली तो मेरे हिसाब से पहुँच जाती है, पानी की दिक्कत होती है, पाइपलाइन डालनी पड़ती है हमें, तो पानी हम पहुँचा सकते हैं यहाँ से सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से पहुँचाओ भाई पानी। तो ये हो गया पानी की समस्या दूर, एंड बाकी तो कोई समस्या नहीं है, आई थिंक एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही चल रहा है सब कुछ। इनको पता नहीं यार बिजली की क्यों प्रॉब्लम आ जाती है लास्ट में जाते हुए, आई डोंट नो। सो भाई नाइट क्यों हो गई यार, नाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एंड ये क्या हो गया, लैंडफिल साइट नो मोर रूम, ओके, लैंडफिल साइट में जो है बिल्कुल जगह नहीं बची हुई है, इसको ना एम्प्टी कर सकते हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स, व्हाट हैपन्स, नो मोर रूम, बिल्डिंग इज सेट टू एम्प्टी इट्स कंटेनर देयरफॉर नॉट वर्किंग, वेट क्या हो रहा है ये, इसके साथ कनेक्ट क्यों नहीं हुई है, ओनली तो चाहिए थी भैया, एम्प्टी कर तो रहे हैं,
ओके वापस से जो है यहाँ पर क्लाइंबिंग द सोशल लैडर हैव ए सिटीजन एजुकेशन टू लेवल 3 फ्रॉम 0 ठीक है वो तो रहे बिल्डिंग इज सेट टू एम्प्टी इट्स कंटेंट देयरफॉर नॉट वर्किंग ठीक है चलो खाली तो हो रही है एंड ये कनेक्ट क्यों नहीं हुई इससे वो नहीं तो चाहिए थे भैया ये काम नहीं कर रही है गारबेज रिवर्स ठीक है गारबेज के साथ कर तो रही है अब मेरे को नहीं पता इनका क्या सीन है सो धीरे धीरे समझेंगे हम सारी चीज़ें ओके बाकी सब सही चल रहा है यहाँ पर पैसे हमारे वापस से जो है बन रहे हैं 7600 यहाँ पर जो है बन चुकी है इंडिया देखो रेट्स वगैरह हाई होती जा रही है यहाँ पर भाई अच्छे से ऑपरेट कर रही है यार मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है यहाँ पर मैंने ना कुछ भी यहाँ पर बजट वगैरह भी मैनेज नहीं किया है जो है जो चल रहा है भाई उड़ाओ यहाँ पर पैसे काफ़ी ज़्यादा पैसे हो रहे हैं हमारे पास बट मे बी ये मैं गलती कर रहा हूँ आगे जाके जो है दिक्कत आ सकती है थोड़े से ना मेरे को पैसे बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि भाई मैंने खर्चा किया है तो यहाँ पे भी 10 कर देते हैं हाई डेंसिटी वालों को 11 कर देते हैं बाकी सब ठीक है अभी मेरे को क्या करना है मेरे को ना ऑफिस जोन्स के लिए भी तो जगह करनी पड़ेगी तो पहले ना मेरे को हाईवे देखने कौन कौन से मैंने अनलॉक किए हैं ये है यहाँ पर स्मॉल रोड ये है मीडियम रोड लार्ज रोड हाईवे मेरे को ना हाईवे बनाने तो हाईवे है ये हो गया हाईवे विद साउंड बैरियर वेट अच्छा ये बस वाले हाईवे ही है फ्री फॉर्म रोड ओके अपग्रेड कर सकते हैं ना अपन सो यहाँ से अगर अपन इसको अपग्रेड करें तो बड़ी हो गई ना रोड हो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई रोड सो ये ना हाईवे बन गया है यहाँ पर काफ़ी सही सा सो इसको भी अपग्रेड कर लेते हैं इसको भी अपग्रेड कर लेते हैं पूरी रोड यहाँ पर अपग्रेड करते हैं पैसे तो लग रहे हैं हमारे बट अपग्रेडेशन ज़रूरी है भाई चीज़ों को अपग्रेड करते रहना चाहिए सो कहाँ तक अपग्रेड कर सकते हैं हम इससे आगे नहीं जा सकते एंड ट्रैफिक देखो आप लोग यार कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है सो इसीलिए ना अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है ताकि ना यहाँ पर जो है इनको थोड़ी सी और जगह मिलती रहे एंड ये ना सही से काम करे कम से कम ओके अभी देखो भाई रोड जैसी चौड़ी हुई एंड स्पीड से जाने लग गए सब सो यहाँ पर इसको भी अपग्रेड करना है मेरे को इसको भी करना है हाँ इसको भी करना है ठीक है सो यहाँ तक ठीक है एंड ये ना ये वाला एरिया मेरे को पूरा अपग्रेड करना पड़ेगा ओके अभी ना सही से जो है अपग्रेड हो चुका है हाईवे यहाँ पर इस साइड का हो गया यहाँ पे इस साइड का हो गया पता नहीं भाई कैसे कैसे कहाँ पे यहाँ पर डाइवर्ट हो रही है रोड कहीं मैंने जो है गड़बड़ तो नहीं की डाइवर्जेशन में एक सेकंड यहाँ पर ना इस ट्रक का जो है एक्सीडेंट हो गया है बट इसने ना रोड जाम कर दी है बट ये ना निकलते जा रहे हैं यहाँ पर एंड मेरे हिसाब से अभी ना ट्रैफिक काफ़ी अच्छे से चल रहा है मेरे को लग रहा है ना हाईवे नहीं मेरे को ना ऐसे बनाना पड़ेगा 6 लेन रोड्स हाईवे में तो थोड़ी सी दिक्कत है मीडियम में अगर अपन देखें तो 4 लेन रोड विद डेकोरेटिव ट्रीज तो अपनी सिटी में मैं बनाने वाला हूँ थोड़ा सा ये महंगा पड़ेगा अपग्रेड कॉस्ट थोड़ी सी महंगी पड़ेगी बट ये ना बहुत बढ़िया लगने वाला है सो ये हमारी सिटी के बीच में बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा यहाँ से देखो आप ओह कितना ज़्यादा यहाँ पर प्यारा लग रहा है ये सो बिल्कुल सेंटर में तो मेरे को यही बनाना है एक बार मैं अपग्रेड कर देता हूँ पूरा यहाँ पर जितना भी है यहाँ पर जगह ज़्यादा चाहिए होगी इसको बट ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है लेट्स सी पैसे तो लग रहे हैं यार बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं बट चलो कोई नहीं बढ़िया तो लगेगा हाँ यहाँ तक ठीक है अपग्रेड इसको ना यहाँ तक कनेक्ट कर लेते हैं पूरा आई थिंक इट्स गुड एंड अब भी ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर यहाँ से आप देखो तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा है यार ये तो एंड यहाँ पे देखो यार कितना ज़्यादा प्यारा हो गया है यहाँ पर हाँ हरे भरी हो गई पूरी सिटी हमारी सो यहाँ से मैं एक काम करने वाला हूँ सिटी के अंदर तो मैं ऐसी रोड बना देता हूँ एक बार के लिए ठीक है यहाँ पे चलते हैं फिर से एंड अभी ना इसको बनाना स्टार्ट करते हैं पैसे काफ़ी लगने वाले हैं इस मामले में बट ये ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा होने वाला है सो यहाँ पर ये हो गई पूरी एकदम स्ट्रेट रोड एंड यहाँ से इसको हमें लेके जाना है यहाँ से पूरा कनेक्ट करवाना है जो है वहाँ तक ताकि ना ये थोड़ा सा बढ़िया लगे बट यहाँ से लेके जाएंगे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा यार सो मैं ना नॉर्मल वाली रोड लेके आता हूँ अभी अभी ना हमें जो है इस साइड पे लेके जाना है ना ये तो हमारी सिटी के सेंटर के लिए ही थी जो कि ना अच्छी लगनी चाहिए थोड़ी सी सो अभी एक काम करते हैं यहाँ से हम इसको कनेक्ट करवाते हैं यहाँ पर ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार पेड़ वगैरह नहीं रखने चाहिए थे मेरे को सो एक बार ना फिर से अपग्रेड करते हैं इसको पेड़ से यहाँ पर थोड़ा सा बेकार लग रहा है यहाँ पर मामला तो अभी ठीक है मेरे हिसाब से
हाँ यहाँ पे नॉर्मल ही है, यहाँ पे भी हो गई नॉर्मल एंड या अभी ठीक है। सो अभी एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको अपग्रेड करते हुए चलते हैं। एंड एक काम करने वाला हूँ मैं, यहाँ से ना एक रोड जो है मैं कनेक्ट करने वाला हूँ सामने की तरफ बिल्कुल। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे घुमा लेते हैं ताकि ना ये हाईवे जो है ऊपर की तरफ निकल जाए। ऑलराइट, एंड यहाँ से हम इसको ना सीधा ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ यहाँ पर ठीक है। सो ये हो गया हमारा नया आइलैंड से कनेक्ट हाईवे। एंड ये ब्रिज काफ़ी अच्छा बन गया यार। हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्रिज वैसे, यहाँ से वैसे एकदम रोड आएगी एंड काफ़ी सही है। सो मस्त बन गया ये एकदम 4 लेन। अच्छा वहाँ से हम नहीं करा सकते यार क्योंकि हमने जो है जगह बाई नहीं की है, तो हम ना यहाँ से कनेक्ट करवा सकते हैं इसको ताकि ना लोग जैसे ही आए ना। हाँ यहाँ तक पूरा एरिया हमारा है भाई। बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया हमने कवर कर लिया है। मे बी यहाँ पर हम जो है तगड़ी वाली एक सिटी बना दें। एंड ये क्या है, रोड है? हाँ नहीं ये तो मेट्रो की लाइन है। सो ये भी अच्छा है यार, मेट्रो की लाइन हमें डालनी नहीं पड़ेगी। हाँ यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी ना रोड्स वगैरह बनाता हूँ। एंड अभी ना हम जो है सिंपल जो रोड है ना उनको थोड़ी सी सही सेलेक्ट करने वाले हैं। 2 लेन रोड है, हाँ 2 लेन ये भी थी। सो यहाँ से मैं कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। हाँ वैसे 2 लेन नहीं रखते यार, कम से कम 4 लेन तो रखते ही हैं सिंपल वाली ही। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट करवाने वाले हैं। हाँ वैसे कुछ प्लान नहीं है मेरा, बट अभी ना मैं इसको सीधा जो है यहाँ तक तो लेके ही जाने वाला हूँ। कम से कम हाईवे से इसको बाद में कनेक्ट करेंगे, बट अभी ना इसको एक काम करते हैं, एक बार तो लेके चलते हैं इसको। कॉस्ट काफ़ी जा रही है बट खर्चा तो करना ही एक बार। एंड फिर बनाते हैं हम ये वाली रोड, ठीक है। सो ये बन गया यहाँ पर अच्छा खासा एरिया। एंड थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया मैंने यहाँ पर, आई थिंक कर दिया है मैंने, बट चलेगा यार कोई बात नहीं। ओके अभी ना मैंने जो है थोड़ी सी यहाँ पर रोड जो है सही कर दी है। सो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं इंडस्ट्रियल जोन्स। सो फटाफट से ये एरिया पूरा कवर कर लेते हैं। ये एरिया हो गया, ये भी हो गया पूरा एरिया। यहाँ पे पूरा एरिया कवर कर लेते हैं जितना भी है। सो ये पूरा एरिया यहाँ पर कवर हो चुका है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बनने देते हैं एक बार के लिए। रोड यहाँ पर पूरी कनेक्ट हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ना मैं इस हाईवे से कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ, बाकी ना भीड़ वगैरह आने लग जाएगी, तो मेरे को ना पहले तो एक बार शांति रखनी है थोड़ी सी। धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है, एकदम से प्रोग्रेस करने के लिए नहीं भागना है यहाँ पर। यहाँ पर ना मेरे को एक चीज़ और बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं। एंड मेरे को बनाना है यहाँ पर, हाँ वेट ये क्या है, फ्लोइंग वाटर इज़ एन इन्फिनिट सोर्स ऑफ पावर। ओके ये ना थोड़ा सा ब्रिज टाइप से बनाना पड़ेगा, हमें डैम बनाना पड़ेगा, बट ये ना अभी नहीं, अभी नहीं भाई शांति थोड़ी सी। सो मुझे बनाना है यहाँ पर ऑयल पावर प्लांट। सो ये ना काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करने वाला है, तो इसीलिए ना मैंने ये अलग से जगह बनाई ताकि ना यहाँ पर जो है दिक्कत ना आए कुछ। सो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ इसको, वेट पहले ना मेरे को जगह बनानी पड़ेगी एक सही से। इसको हम बनाने वाले हैं, थोड़ा सा ये एरिया लेते हैं, वेट 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 वेट, थोड़ा सा यहाँ पर एरिया चाहिए मेरे को। 600 का हो गया ये, बहुत है। सो यहाँ पर हमारा जो है प्लांट बनने वाला है ऑयल का, यहाँ पर पावर प्लांट, ताकि ना हमें बहुत तगड़ी वाली बिजली मिलती रहे। सो ये हो गया हमारा ऑयल का पावर प्लांट। एंड हियर वी गो, तो ये बन गया यहाँ पर पावर प्लांट एंड नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है। 120 वोट का आउटपुट है इसका, ऑयल स्टोर 7 दिन का है एंड ये बहुत ज़्यादा तगड़ा है। पानी नहीं है यहाँ पर, पानी की दिक्कत है, तो पानी तो हम पहुँचा सकते हैं क्या वहाँ से? यहाँ से हम पहुँचा सकते हैं ना पानी? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम यहाँ पे ना अपना अलग ही बना सकते हैं ना पानी के लिए। सो यहाँ पे बना देते हैं हम पानी के लिए खुद का ही एक, यहाँ पर ठीक है। सो ये ना हमारे लिए अलग से हो जाएगा पानी का, पानी वही इतना महंगा नहीं पड़ता है। तो वाटर पंपिंग स्टेशन यहाँ हो गया एंड यहाँ से इसको हम कनेक्ट करवा लेते हैं पूरा यहाँ पर एरिया में। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पूरा एक बार कनेक्ट करवा ही लेते हैं हम। यहाँ तक हो गया, यहाँ से पूरा यहाँ तक हो गया। भाई पैसे तो अपने पास बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब मैं फालतू तो नहीं खर्च कर रहा हूँ भाई, जहाँ जहाँ हमें चाहिए वहीं पर ही खर्च कर रहा हूँ। सो ये एरिया हो गया, यहाँ से हम नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से कनेक्ट करवाते हैं ना, ताकि यहाँ तक हो जाएगा। एंड ये हो गया पूरा पानी का एरिया कवर अभी के लिए। सो यहाँ पर लाइट वगैरह भी आ चुकी है। सो गार्बेज का हम लगाते हैं यहाँ पर, मे बी थोड़ा सा ना यहाँ पर एक रोड बना लेते हैं।
ये वाली या फिर यहाँ कहीं बना लेते हैं, थोड़ा सा साइड में हो जाएगा ये, तो गार्बेज ट्रक्स वगैरह यहाँ से जा पाएंगे आराम से। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से मेरे को ना रोड सब बड़ी रखनी है यहाँ पर इंडस्ट्री में, ये चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है। यहाँ पे हो जाएगा। सही है मेरे हिसाब से। हाँ थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम गार्बेज का लगा लेते हैं बिल्कुल कॉर्नर पर, एंड इसके जस्ट पास हम ये लगा लेते हैं। ये लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेट एक काम करते हैं, पहले ना यहाँ से ना यहाँ तक बिजली पहुँचा देते हैं, एंड उसके बाद जो है एक पहुँचा देते हैं हम। वेट वेट वेट, हाँ यहाँ से जो है सीधा यहाँ तक, ठीक है। मेरे हिसाब से ये एरिया पूरा कवर हो जाएगा, एंड यहाँ पर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला है, एंड ये कितना खाली हुआ है, हाँ 69% फुल है अभी भी, ठीक है धीरे धीरे खाली हो जाएगा। एंड ये देखो भाई, अब ना यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह आने स्टार्ट हो चुकी है। ओके तो ये रोड भी बन गई है, एंड आई थिंक मैंने ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर खर्चा कर दिया है। हाँ सिर्फ 92,000 पैसे बचे हुए हैं हमारे पास यूरोज़। तो अभी ना हमें जो है ज़्यादा चीज़ें अब नहीं बनानी है, एक बार के लिए हमें रिकवर भी तो करना पड़ेगा ना सारा। तो यहाँ पर इंडस्ट्री तो ठीक है चलने देते हैं। सो मेरे को क्या लग रहा है, यहाँ पर ना वैसे मैंने हाईवे तो कनेक्ट कर ही दिया है, तो हॉस्पिटल में ना यहाँ पे बना देता हूँ। एक काम करता हूँ, सेफ्टी पे चलते हैं हम। एंड एक सेकेंड, ये तो फायर स्टेशन है, हेल्थ केयर कहाँ गया? हाँ ये रहा हेल्थ केयर। तो मेरे को ना हॉस्पिटल बनाना है, तो हॉस्पिटल नहीं यार यहाँ पे तो नहीं बन सकता हॉस्पिटल। मेरे को ना एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ना थोड़ा सा एरिया ऐसा बनाना पड़ेगा जो ना हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए हो। तो ये वाला एरिया अच्छा रहेगा, हॉस्पिटल हेल्थ केयर ये सारी चीज़ें। मैं भी कहाँ पे बनाऊँ, मैं सिटी के बीच में रहता हूँ ज़्यादा अच्छा रहता ना। ये वाला एरिया वैसे वेस्ट हो रहा है यार। यहाँ पे एक काम करते ना, इसको मेरे को तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। या फिर एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ से इसको हटा ही देते हैं पूरे को, ताकि ना ये सारे हट जाए यहाँ पे। ठीक है ये हट गए, एंड यहाँ से मैं काम करता हूँ एक बार ना मेरे को। हाँ पुलिस स्टेशन यहाँ पे हो गया, तो हॉस्पिटल वगैरह मैं यहीं पे बना लेता हूँ। ये रोड मेरे को तोड़नी है, ये वाली भी मेरे को यहाँ से तोड़नी है, एंड यहाँ पे मेरे को कनेक्ट करवानी है ये वाली रोड। सो यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एंड यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अभी ना यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ सारे हॉस्पिटल वगैरह। तो पहले ना ये घर पड़े हुए ना एक्स्ट्रा, इनको हटा देते हैं यहाँ पर, एंड ये पेड़ वेड़ भी हटा देते हैं। सो ये बन गया हमारा एरिया जहाँ पर मैं हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर वगैरह बनाने वाला हूँ। तो हेल्थ केयर पर चलते हैं, एंड हॉस्पिटल में बनाता हूँ सबसे पहले हाईवे की साइड पर नहीं, इसको हम बनाते हैं इस साइड पर, जस्ट यहाँ पर यहाँ पर, ताकि ना ये एकदम कॉर्नर पे रहेगा, या फिर हाईवे की साइड पे बनाए। नहीं हाईवे जाम हो जाएगा यार। हाँ जाम तो क्या होगा, बट ठीक है वैसे यहाँ पे बना सकते हैं इसको। ये ठीक है। सो ये बन गया हमारा हॉस्पिटल, एंड ओ लोग और खुश हो गए भाई। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन हमारी नहीं बढ़ रही है, हॉस्पिटल तो हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना दिया है, बट हॉस्पिटल हमने बना दिया। अभी मेरे को बनाना है यहाँ पर एल्डन केयर। सो एल्डन केयर हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट हॉस्पिटल के बैक साइड पे यहाँ पर लाएंगे। यहाँ बूढ़े लोगों के लिए जगह हो गई है, शांति से यहाँ पर रहेंगे, एकदम मस्त यहाँ पर उनके लिए घर बना दिया है मैंने। एंड एक मेरे को और बनाना है, जो कि होने वाला है चाइल्ड हेल्थ सेंटर। सो ये बनेगा यहाँ पर हॉस्पिटल के जस्ट बैक साइड में। सो ये बन गया हमारे लिए बच्चों का छोटा सा हेल्थ सेंटर। जगह हमने काफ़ी सही चुनी है वैसे मेरे हिसाब से, पूरा एरिया ना कवर कर लेंगे ये। सो ठीक है, हॉस्पिटल को अगर आप देखो तो पूरा एरिया अच्छा सा कवर किया है इसने, सिर्फ ये पीछे वाले रह रहे हैं। सो अभी ना मैं आपको अगर टॉप से बताऊं, तो हमारी सिटी ना अच्छी खासी एक्सपेंड कर रही है। यहाँ पर ना मैंने जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग सी जगह बना दी है, तो मे भी आगे जाके हम ना यहाँ से शिफ्ट कर दें इंडस्ट्री को यहाँ पर, एंड यहाँ पर ना हम जो है मे भी यहाँ पर रखे ना रखे मेरे को कुछ नहीं पता। एंड क्रॉस रोड्स एंड ट्रैफिक, ओके क्रॉस रोड्स एंड मेरे को ना पास में नहीं बनानी है, एंड ट्रैफिक का मेरे को कुछ करना पड़ेगा भाई। ट्रैफिक देखो यार कितना ज़्यादा भयंकर ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर। सो इसका ना मेरे को कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा यार, ये तो भाई बहुत ज़्यादा यार तगड़ा हो रहा है। बट मैसेजेस तो आ रहे हैं ट्विटर पे कि इनको ना सिटी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है,
तो आप लोग बताना कि आप लोगों को जो है सिटी कैसी लग रही है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा अच्छी हमने फैसिलिटीज़ वगैरह सारी दे दी है यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें हमें और करनी है, अभी नई सिटी बनानी है एक जो कि ना थोड़ी सी प्लान्ड होने वाली है। तो यहाँ पर सिनेमेटिक व्यू देखते हैं एंड आप लोग ना एंजॉय करिए सिनेमेटिक व्यू। मैं करता हूँ ये वीडियो यहीं पर एंड। आई होप कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी एंड ये आप लोग कमेंट में जो है सजेशन ज़रूर से देते रहना कि हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं भाई इस गेम में, धीरे धीरे बन जाएंगे बट अभी तो हम सीख रहे हैं। तो या वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।